नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा मुल्हेरकर और आप सभी का स्वानंदी क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत। जो लोग संगीत की साधना कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक खास सीरीज शुरू की है जिसका नाम है सूर संवाद। इसमें हम संगीत की कई महान हस्तियों के साथ बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ रही है जानी मानी क्लासिकल सिंगर संपदा विपट। संपदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार शुभ्रा जी। संपदा जी, आपने सुधा भालेराव जी के पास संगीत सीखना शुरू किया। आपने गांधर्व महाविद्यालय से संगीत विशारद किया। उसके बाद आपने ललित कला केंद्र से मास्टर डिग्री की। तो ये पूरा सफर कैसा था? इस सफर के बारे में हम कुछ सुनना चाहेंगे। बचपन से मैं मेरे गुरु श्रीमती सुधा भालेराव, उन्हीं से मैंने संगीत का प्रशिक्षण लिया था। जिस उम्र में म्यूजिक का कोई मतलब ही नहीं जान पाते, म्यूजिक क्या होता है, क्लासिकल म्यूजिक तो बात ही अलग है, उस उम्र में सुधा जी ने मुझे बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस के साथ मुझे संगीत सिखाया। और एक उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएशन होता है, प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट क्रिएशन, संगीत में यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो ये सबसे बड़ा जो कार्य है वो उन्होंने किया मेरे संगीत की शिक्षा में। संगीत की शिक्षा में मेरे ख्याल से तालीम, ये इसका बहुत महत्व है। तालीम मतलब अ सिस्टमैटिक पाथ, इट्स अ कंटिन्यूअस ग्रोथ और एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहती है तालीम मतलब। तो ये तालीम में ऐसी कोई बात नहीं रहती कि चलो आज मैंने सीखा, उसका आउटपुट क्या हो गया, मुझे कल ये करना है, आज मैंने ये किया, ऐसी कोई बात नहीं रहती। ये इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोसेस ऑन द साइंटिफिक पाथ। तो ये तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है संगीत की शिक्षा में। और ये द पार्ट ऑफ तालीम मैंने ललित कला केंद्र ऑफ सावित्रीबाई यूनिवर्सिटी पुणे विद्यापीठ, उन्हीं का ये संगीत का कोर्स ज्वाइन किया। ये प्रोसेस में मैंने मेरे गुरु डॉक्टर विकास जी कशालकर, उन्हीं के गाइडेंस के साथ, जो बहुत सारे एकेडमिकल डायमेंशंस, परफॉर्मिंग स्किल्स, अवेयरनेस अबाउट घराना स्टाइल, स्ट्रॉन्ग अप्रोच अबाउट स्वर लगाव, ये सब जो संगीत की जो ये बलस्थान है, ये सब पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। तो ये सब मेरे गुरु डॉक्टर विकास जी कशालकर, उन्होंने मुझे ये सब उसका एक परिचय दिलवा दिया, उसका अवेयरनेस जागरूक किया मेरे मन में। और बाय दिस टाइम जयपुर अतरौली घराना की पंडिता माणिक ताई भिड़े, उनकी गायन शैली से
मैं बहुत प्रभावित हो गई थी। मैं माणिकताई के यहाँ मैं गई और उनको कहा कि मुझे आपके यहाँ सीखना है। तो उन्होंने मुझे एक ही सवाल किया कि तुम्हारी क्या अपेक्षाएं हैं म्यूजिक से। तो मैं बोली कि आई डोंट नो एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, मैं क्या किसी के सर्च में हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो संगीत में ऐसी बात है कि ये जो तालीम है, ये जो शिक्षा है संगीत का, जो पाथ है सीखने का, वो इटसेल्फ, दैट जर्नी इज इटसेल्फ इज वेरी जॉयफुल। सो उसका जो आउटकम है, ये ऐसा कोई बता नहीं सकता कि मुझे क्या चाहिए। मुझे स्टेज चाहिए, मुझे परफॉर्मेंसेस चाहिए या पब्लिसिटी चाहिए, ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हर समय, हर मोमेंट वो जो साधना मार्ग है वो बहुत ही आनंददायी है। तो इसी तरह मेरा सब संगीत का एक प्रवास है और इसी पाथ में अभी मैं जा रही हूँ। और वो साधना ही सबसे आनंददायी है मेरे लिए। संपदा जी, आपने आकाशवाणी में गाया है, आपके मीलाफ और चैतन्य ज्योत ये एल्बम्स भी काफी फेमस है। आप सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ललित कला केंद्र के स्टूडेंट्स को भी सिखा रही है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि जब लोग क्लासिकल सीखना शुरू करते हैं तो शुरू के 4-5 साल में उनको रियाज कैसे करना चाहिए? रियाज ये एक बहुत मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। पहले रियाज का मतलब क्या है? रियाज मतलब कोहम, मुझे सब खोजना है, क्या है सुर, क्या है ताल, क्या है, जो कुछ डेलिब्रेट एफर्ट्स जो है उसे रियाज कहते हैं। परफॉर्मेंस ये अलग घटना है और रियाज ये पूरी तरह से अलग घटना है। तो रियाज में पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई संगीत सीखना चाहता है तो हमारा जो ऑथेंटिक इंस्ट्रूमेंट है तानपुरा, इसका लिसनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तानपुरा ये जो वाद्य है ये कैनवास जैसा काम करता है और तानपुरा सुनने से सुरों के साथ जो हमारा एक्सेस है वो और ज्यादा इजी हो जाता है। तो पहले तानपुरा सुनने की आदत करो, उसके बाद अब जब सुरों की बात है, स्वर ज्ञान जो है, इसके लिए पहले सारे सबको मालूम है, ये सुर है या अलंकार सबको पता है। लेकिन अभी जो रियाज करना है, ये सुरों के साथ कैसा रियाज करना है, तो
पहली स्टेज है और जो बेसिक है, मूलभूत उसे प्रिंसिपल कहते हैं, कि दो सुरों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कैसे? अभी सा से लेके सा तक हम कैसे करेंगे? अभी ये सा और रे है तो उसमें कैसा जुड़ा हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रियाज है। चलो वसुधा, नेचुरल आ चाहिए उसमें, तो ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद गान क्रिया में एक सवाल हमेशा कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि चलो अभी गाना है तो मेरा दमसास नहीं है तो मैं कैसा करूं, तो क्या करना पड़ता है? तो सिंपल आंसर है कि रियाज करना पड़ता है। कैसा? हाँ, तो कोई भी है जो उसका ऐसा एक दिन में किसी का भी श्वास क्रिया ऐसा कंट्रोल में नहीं हो सकता है, तो धीरे 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 उसी के साथ हमें कैसा बढ़ता है ये सिस्टमेटिकली होना चाहिए। रियाज ये पीरियडिकल होना चाहिए, उसका नियोजन चाहिए कि चलो पहले पहला हफ्ता मैंने ऐसा किया, इतना ही टाइम मैंने रियाज किया, उसके बाद 15 दिन के बाद कैसा करेंगे, 1 महीने के बाद कैसा करेंगे, ऐसा उसका एक पूरा नियोजन होना चाहिए। धीरे धीरे उसके उसमें बढ़ाना चाहिए उसे। तो अभी दम सांस की जो बात है तो कैसे करेंगे, अभी जितना हो सके नेचुरली, चलो सारे हो रहा है मुझे अभी, चलो मुझे नहीं हो रहा है सांस, नहीं ये हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा है, ठीक है छोड़ दो। पहले 8 दिन इतना ही करो बस, लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे का ट्राई करना। सारे गामा पादा नी सा सानी इतना तो हो सकता है, चलो इसी स्पीड से हमें जाना है, क्योंकि गायन में कोई शॉर्टकट नहीं है और उसे बहुत पेशेंस की बात है। तो इसी तरह धीरे धीरे हमारी श्वास क्रिया बढ़ती जाती है। चलो सारे गामा पादा का हो गया, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे नी तक, जैसे सारे गामा पादा नी सा सानी धा पा मा गरे सा, उसके बाद धा तक सारे सारे गामा पादा
रियाज करेंगे तो श्वास क्रिया जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है और सुरों का जो पक्का स्थान है, मतलब रे ग, तो पक्का सुर लगा तो समझो चलो हमारा श्वास भी करेक्ट। तो गायन की रियाज प्रोसेस में ही श्वास का पूरा ये है, नियोजन है कैसा श्वास लेना है, कैसा बढ़ाना है। तो ये ऐसे सिस्टमेटिकली आप करेंगे रियाज तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि चलो मेरा श्वास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी जो शिक्षा कैसी होती है कि चलो अभी भूप राग है, दुर्गा राग है, विहाग राग है, तो एक उसका जो आरोह अवरोह वादी संवादी ये जो सब उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसके जो नॉलेज है, तो ये आप बुक में रेफर कर सकते हैं या आपके जो गुरु है उनके साथ ये हो जाता है। उसके बाद जो अभी रियाज क्या करना है, चलो ये तो हो गया, तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बंदिश। हर एक राग की एक बंदिश होती है, वो बंदिश एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो बंदिस्त है, किस में, राग में, सुरों में, ताल में। तो ये बंदिस्त रहती है, उसका जो आना जाना होता है ताल के हिसाब से ये उसका पक्का नियोजन होता है। अभी एक हम बिहाग की बंदिश लेते हैं, लट उलझी सुलझा बालम, उसका क्या है, ताल क्या है, तो वो त्रिताल में है निबद्ध। तो त्रिताल की चलो बोल आपको पता होनी चाहिए, जैसे चलो धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा त्रक दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा त्रक दिन दिन धा। थोड़ी का चलो ठेका है मोरे
करेंगे है, मुखड़ा है, चलो मुझे समझ गया, चलो कान से है, खानी से ये समझ जाता है, उसका नॉलेज हो जाता है, लेकिन उसका जो टू मीन इट, ये जो है संगीत में, इसके लिए उसे बार 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 ये सब दोहराना पड़ता है, उसे ही रियाज कहते हैं। रियाज के दो प्रकार है, जैसे एक कुछ खोजना है और उसके साथ रिपीटेडली वो बार बार सुनने से उसका एक इफेक्ट बन जाता है, उसका एक ऑरा बन जाता है, और ये ऑरा जो है ये हमारा संगीत है। तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बार बार जितना आप करेंगे, ये सुरों का स्थान है, ये ताल का स्थान है, तो उसे बार बार करने से, बार बार करने से ही उसका ऑरा हम थोड़ा बहुत पकड़ सकते हैं। ये संगीत की रियाज का पहला एक कॉन्सेप्ट है। मुलाकात का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, पर आज के एपिसोड में इतना ही। संपदा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।